खरगोन पुलिस ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते और सहयोगी के माध्यम से सस्ते दामों में उन्हें बेच देते थे। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के नाम पर लगातार मुहिम चलाई जा रही है। इसी क्रम में नवग्रह मंदिर के समीप पुलिस ने दो बाइक सवार को धर दबोचा, लिहाजा स्थिति बिगड़ते देख आरोपियों ने दो अलग अलग जगह से बाइक चोरी करना कबूला है। इस दौरान दोनों आरोपियों से सघन पूछताछ हुई तो पता चला कि आरोपियों ने 13 वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। मीडिया से रूबरू पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी वाहन चोरी करके तीसरे सहयोगी की मदद से सस्ते दामों में वाहन को खपाते थे। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों सहित सहयोगी साथी को कब्जे में लेकर तीन लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करने की कार्यवाही को अंजाम दिया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। 13 बाइक जब्त की थी, इसमें आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। सर, किस प्रकार से सर घटना को अंजाम दिया गया? ये पुलिस के द्वारा जो समय समय पर व्हीकल्स की चेकिंग की जाती है, इसमें हम लोगों के द्वारा जो व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल है VDP, उसमें भी हम लोग जब चेकिंग करते हैं तो उसके माध्यम से जो उसकी ओनरशिप है उसके बारे में चेक किया जाता है कि उस पर जो नंबर है वो सही है कि नहीं, उस पर जो इंजन नंबर चेसिस नंबर है उसके अकॉर्डिंगली जो डिटेल्स हैं कि सही नहीं। इसमें जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो करीब 9 और 10 की दरमियानी रात में पुलिस के द्वारा चेकिंग में एक वाइट स्कूटी में एक लड़के को उसको चलाते हुए पकड़ा गया और उससे जब पूछताछ की गई तो और उसमें जब चेकिंग की गई तो वो गाड़ी जो है वो खंडवा के एक उसमें अपराध महुना का इंदौर का रहने वाला है, उसको भी हमने इसमें आरोपी बनाया है। तो इसमें आरोपी सर इसमें मॉडिफाई करके सर गाड़ियों को बेचते थे सर। हाँ। हीरो होंडा है तो दूसरी कंपनी के बना के देते थे। हाँ। उसमें जो मैकेनिक है सर उसमें उसकी तलाश की जाएगी। हाँ, इसमें अभी हम लोग इनके रिमांड ले रहे हैं और इसमें जो भी इस प्रकार से इस गतिविधि में अन्य संलिप्त अगर सामने आते हैं जिनकी जानकारी लगती है जो इस प्रकार से इस कृत्य को अंजाम देते थे और या इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अगर कहीं और भी अंजाम दिया है तो उसके संबंध में आगे जांच की जाएगी और पाए जाने पे उचित कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें आधार पर जो संदेही था उससे जब पूछताछ की गई तो जो संदेही था मोहित पिता कमल यादव, उसने उस गाड़ी को खंडवा से चोरी करने का जुर्म कबूल किया और उसके साथ साथ उस घटना का जो उसने अंजाम दिया था अपने दोस्त के साथ कपिल पिता केशव यादव, ये दोनों जो है वो रामपुरा गांव के रहने वाले हैं जो मेन गांव थाने में पड़ता है। इनके द्वारा जब पुलिस ने इनको लाके इनसे पूछताछ की तो इनके द्वारा करीब अलग अलग 13 जगह घटनाओं को अंजाम देना बताया जहाँ पर इन्होंने 13 गाड़ियों को चोरी किया था। ये घटना इन्होंने गोगावा, पीतमपुर, अपना कसरावद, खरगोन, खलघाट, ये सब ऐसे क्षेत्रों से इन्होंने चोरियाँ की थी। इनसे पुलिस ने करीब 13 गाड़ियाँ जो हैं अलग अलग जो कुल कीमती करीब 5.25 लाख की इनसे जब्त की हैं। ये इसमें साथ साथ जो इनका एक सहयोगी था जो इन गाड़ियों को बेचने में इनकी मदद करता था, करीब ये लोग इस गाड़ियों को 6-6 हज़ार रुपये के आसपास में अलग अलग जगह बेचते थे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।